यूपी के प्रतापगढ़ में एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया। मारे गए बदमाश का नाम तौकीर है और उस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के समय एसटीएफ और बदमाश तौकीर के बीच करीब आधे घंटे तक गोलीबारी हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे ढेर कर दिया। हालांकि इस बीच उसका एक साथी वहां से भागने में कामयाब हो गया। मौके से 2 पिस्टल, कार्बाइन और 1 बाइक बरामद हुई है। तो यहाँ पर पुलिस को कामयाबी मिली है, इनामी बदमाश मारा गया है। ये एक प्रतापगढ़ का इनामी अपराधी, जिसके ऊपर 1,00,000 का इनाम था, उसका नाम तौकीर है। तौकीर पिछले 1 साल से प्रतापगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। हमें इन्फॉर्मेशन थी कि ईद के बाद तौकीर प्रतापगढ़ में फिर कोई वारदात करने वाला है। इस सूचना को अपने जो मुखबिर थे उसे वेरीफाई करते हुए आज हमने इस पॉइंट पर शिवला के पास इस रोड पर घेराबंदी की। जैसे ही उसको रोकने के लिए इशारा किया गया, उसने हमारी पुलिस पार्टी पर कंटिन्यूसली फायर छोड़ दिया। हमने आत्मरक्षात फायरिंग करते हुए और अपने टैक्टिकल सप्लाई का प्रयोग करते हुए रिटर्न फायर किया, जिसमें 1 बदमाश को गोली लग गई और दूसरा बदमाश भागने में सफल हुआ।